नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज। इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टेमिक को सैक कर दिया गया है, जो कि पहले उन्होंने घोषणा कर दिया था यदि थर्ड राउंड में हमारी भारतीय फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाती है तो मैं खुद हट जाऊंगा। आज ये एफएफ टेक्निकल कमेटी ने सैक कर दिया है और साथ में 3 करोड़ रुपया उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 3 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो कि एग्रीमेंट में साइन था। जहां हमारी भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 95 थी उनके आने से पहले, और अब उनके जाने के बाद हमारी रैंकिंग 125 रैंकिंग में आ गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इंडियन फुटबॉल में। और वहीं खबर आ रही है कि इंडियन हेड कोच महेश गौली, जो कि असिस्टेंट कोच है, वो भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच बन सकते हैं। बन सकते हैं दोस्तों, अभी कुछ ऐसा निर्णय नहीं आया है, देखते हैं क्या। या फिर खालिद जमील, जो कि जेएफसी का भी हेड कोच है, उनका भी बनने का चांस है। देखते हैं एएफएफ टेक्निकल कमेटी किसे हेड कोच बनाती है। ज़्यादा चांस तो महेश गौली का ही कि है, इसलिए वो असिस्टेंट कोच है। प्लीज़ सपोर्ट भारतीय फुटबॉल टीम। जय हिंद, जय भारत।